जय गो माता, जय गोपाल। आज हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से और हमारी गौ माता की कृपा से, नंदी भगवान की कृपा से, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि हमारी कामधेनु गौशाला में श्री जड़कोर गोधाम के अंदर में जो कामधेनु गौशाला है, वहाँ आज पंजाब जालंधर से और संवर्धन के लिए 11 नंदी भगवान यहाँ पधारे हैं। पहले मुझे सूचना दी गई थी कि 12 नंदी भगवान आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें 12 आदित्य कहा था, 12 सूर्य कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एकादश रुद्र पधारे हैं। तो हमारे शंकर भगवान गोष्ठ का स्वरूप है वेद के अनुसार, और इसी गोष्ठ के अंदर में हमारे 11 नंदी भगवान पधारे हैं। इनके पधारने में हमारे महाराज जी की कृपा तो है ही, साथ साथ हमारे पूज्य श्री तारा बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री बीएस बैसला जी हमारे साथ हैं। इन लोगों की इसके अंदर में बड़ी भूमिका रही है, और साथ ही साथ नंदी भगवान को यहाँ ले आने में श्री गोपेश, हमारे गोपेश बाबा जी हैं वृंदावन के, उनकी बड़ी भूमिका रही, अहम भूमिका रही, और हमारे भोरी वाले महाराज जी, उनकी भी बड़ी भूमिका रही। हमारे साथ डॉक्टर सुनील भी यहाँ मौजूद है, जो आज हमारे युवा टीम के अंदर में है, और हमारे यहाँ डॉक्टर हैं प्रभु पुरुष से, और हमारे यहाँ सब गौ माता की, नंदी भगवान की, हमारे जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, इन सबकी सेवा करते हैं। अब मैं आपको परिचय करवाता हूँ श्री पूज्य महाराज जी से। पूज्य महाराज जी, श्री तारा बाबा आपको जहाँ से नंदी भगवान पधारे हैं जालंधर से, वहाँ का परिचय देंगे और बताएंगे कि वहाँ गौशाला कैसी है, और वहीं से हम लोगों ने नंदी भगवान को क्यों चयन किया, और तारा बाबा के बाद श्री बैसला जी आपको नंदी भगवान का परिचय देंगे कि हमारे नंदी भगवान के शुभ नाम क्या हैं और नंदी भगवान में क्या विशेषता है। ये बात आप दर्शन करेंगे हमारे सभी नंदी भगवान का जब यहाँ वो पधारे कामधेनु गौशाला में, तो उनका भव्य तरीके से हम लोगों ने सभी ने और सुस्वागत किया, उनके लिए मंगलाचरण हुआ, ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का पाठ किया, और सभी नंदी भगवान अपने अपने बाड़ों में पधारे। अब मैं पूज्य श्री तारा बाबा से निवेदन करूंगा कि वो हमें बतलाएं कि जहाँ से आए हैं उनका परिचय दें गौशाला का। पूज्य श्री गौ माता की कृपा से, सभी संतों और महात्माओं और सभी गौसों की कृपा से, हम लोग नूर महल गौशाला से, कामधेनु गौशाला, अपने श्री आशुतोष जी महाराज दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, जो जालंधर पंजाब के में जिनका जो है एक भव्य और दिव्य संस्थान है, उनके यहाँ बहुत सारी गतिविधि के साथ में गौ संवर्धन का कार्य पिछले लगभग कम से कम 30 साल से वो लोग लगातार कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में भारतवर्ष में थारपारकर, साहिवाल और अपने गिरिनाश्रम में उनके यहाँ सर्वश्रेष्ठ उत्तर भारत के नंदी उपलब्ध हैं। हमें वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पूज्य श्री बैसला जी के नेतृत्व में, तो हमने वहाँ पर जाके गौशाला का पूरा दर्शन किया। बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से वो लोग एक एक नंदी का, एक एक गौ माता का पूरा हिसाब रखते हुए, उसको जो उसका जो पिताजी कौन थे, माता जी का था, उसका कितना दूध था एक हाथ में, पूरा उनके पास में मतलब शुरू से ही आज तक पूरा रिकॉर्ड उनके पास में है, और पूरे भारतवर्ष में पूज्य श्री पद्मनाभ महाराज जी के सानिध्य में वो लोग बैठ के ये सब जानकारी लेते हैं, इन सब चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छा संवर्धन कार्य किया हुआ है। उसी श्रृंखला में पूज्य श्री हमारे गुरु भाई श्री गोपेश बाबा, गोपेश कृष्ण जी महाराज, और पूज्य श्री भोरी वाले महाराज जी, कृष्णन जी महाराज, जो पंजाब में उनका जो गोसेवा क्षेत्र में वृंदावन में श्री गोविंद गोधाम, जिनके ने आशीर्वाद कृपा से वृंदावन में अभी स्थान कार्य कर रहा है, उनके पूरे सहयोग से हम लोगों को 11 नंदी, जिसमें साहिवाल, थारपारकर और गिर तीनों तरह के उपलब्ध हुए, और वहाँ से हम लोग उनको लेके आए यहाँ जड़कोर गोधाम में। अपने जड़कोर गोधाम में अपना लोगों ने यहाँ पर हमारे श्री आदरणीय श्री सत्यन जी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा भव्य तरीके से नंदी भगवान का स्वागत किया गया। उसके बाद हम लोगों ने उनको व्यवस्थित तरीके से बाड़ों में उनको पहुंचा दिया है, वो अपने स्थान पर सुरक्षित आराम कर रहे हैं। तो आप सभी गौ भक्तों का आशीर्वाद कृपा बनी रहे संस्थान पर, और संस्थान निरंतर इस पर आगे बढ़ता रहे। हम लोग संवर्धन का कार्य और जो सोच संस्थान है जड़कोर गोधाम हमारा, उस पर कार्य करते रहें, इसी आशा और उम्मीद के साथ। जय गो माता, जय गो माता। श्री सज्जन रामदास जी भाव जी एवं श्री चांद रतन चाणक जी के प्रेरणा से हम जालंधर गुरु महल के दिव्य ज्योति संस्थान गए थे। वहाँ से 4-3 नस्ल के उच्च कोटि के नंदी, जिनका पेडिग्री बहुत उत्कृष्ट किस्म का है,
जिसमें हम चार साहिवाल नस्ल के नंदी जिसमें तीरथ, पंकज, पारस, गोपी एवं एस 75 वाला नंदी का सिलेक्शन किया तथा उनकी पेडिग्री इनकी डैम की लैक्टिस यानी एज 305 दिन की 4300 है, किसी की 3900 है, किसी की 3800 है, ये 305 दिन का इनका मिल्क रिकॉर्ड है तथा इनका डैम का भी मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनका सारा रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरह से गौशाला में मेंटेन किया हुआ है तथा श्री चिन्मानंद जी महाराज इसको देखते हैं, उनको बहुत बड़ा अनुभव है, ज्ञान है, उनके द्वारा ही इनका सारा सिलेक्शन किया हुआ है। इसके साथ ही हम 3 थारपारकर नस्ल के नंदी भी लेके आए हैं। इन सभी का ओरिजिन भारतीय थारपारकर अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ राजस्थान ब्लड लाइन का है। इनकी भी पेडिग्री बहुत अच्छी है, इनका लैक्टेशन यील्ड भी 3500 से लेकर के 4000 का है और बड़े उत्कृष्ट नस्ल के नंदी हैं। इनकी उम्र भी अभी 44 साल है। इनका शरीर बहुत विकसित है, बलिष्ठ हैं और संवर्धन के काफ़ी योग्य हैं। इसके साथ ही अपन 2 नंदी गिर के थारपारकर नंदियों का नाम ध्रुव है, पंकज है और रमन है। इसी तरह से हम 2 उत्कृष्ट नस्ल के गिर नस्ल के 2 नंदी लाए हैं, इनका नाम नरेश एवं मंगल है। ये नरेश जी भगवान का ओरिजिन जसधन गुजरात से है तथा मंगल का ओरिजिन भावनगर ब्लड लाइन का है। ये भी बहुत उत्कृष्ट नस्ल के नंदी हैं। इनकी लैक्टेशन एज 4000 से ऊपर है और ये भी बड़े बलिष्ठ हैं, सुंदर हैं, बहुत संवर्धन योग्य है, जिससे हम कामना करते हैं कि हमारी काम देने गौशाला श्री जड़पर गोधाम में इनके द्वारा जो संवर्धन होगा तो हमारी जो संतति पैदा होगी वो बहुत उच्च गुणवत्तापूर्ण होगी तथा हमारा संवर्धन का कार्य अपन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गौ भारत। राधे श्याम, मैं जड़कोर धाम गौशाला में एज ए डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पर जो सज्जन महाराज जी और जो बाबा जी एंड डॉक्टर बिसला जी के ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर मैं कार्यरत काम करता हूँ और यहाँ पर जो गौ माता की जो सेवा की जाती है वो बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। यहाँ पर हम डेली कम से कम 50 से 100 गायों का गौ माताओं का इलाज करते हैं और उनको मतलब हर तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट और साथ में उनको प्यार दुलार और साथ में उनका फीड जो बहुत अच्छी क्वालिटी का चारा हम हरा चारा साथ में खिलाते हैं और यहाँ पर हम मतलब पूरी गौशाला में बहुत अच्छे से जैसे घर का एनिमल गौ माता होती है उसे भी अच्छा काम करते हैं और जितनी घर के गौ माता की सेवा नहीं होती उससे ज़्यादा सेवा हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। राधेश्याम।